वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पिंकी फतोड़ आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब ठीक हो, आपकी फैमिली में सब ठीक हो, महाकाल बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो कैसे हो आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। सो आज मैं किसी से मिलने वाली हूँ, ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मैं कितने साल बाद 13 साल बाद मिलूँगी उस इंसान से। तो देखते हैं कैसी क्या रहती है मुलाकात। 13 साल हो गए हैं मैं किसी से मिली नहीं हूँ, तो अब मैं मिलूँगी उससे। दोनों का ही सामने से रिएक्शन देखेंगे कि कैसा क्या महसूस करते हैं एक दूसरे को देख के, क्योंकि इतने साल बिछड़े हुए हो गए हैं, अब मिलना होगा। ढेर सारी बातें होगी, ढेर सारी गपशप होगी, पुरानी बातें याद करेंगे। तो मैं मिलवाती हूँ उससे, थोड़ी देर में पूछने वाली है, तो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। आने वाली है, 5 मिनट हो गए, बोल रही हूँ मैं आने वाली हूँ और लेने गए हैं विकास जी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, कैसे मिलूंगी उससे मैं इतने साल बाद, बट मैं मिलूंगी और आपको भी मिलवाती हूँ मैं। 13 साल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है किसी के लिए भी। मैं तो 13 साल से काफ़ी लोगों से नहीं मिली हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि 13 साल बाद मुझसे कोई मिलने आ रहा है। सो मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अकेली आई है? हाँ। तो गुड़िया को नहीं लाई? नहीं। अरे यार, यार मत बनाना। मैं इससे मिल रही हूँ 13 साल बाद। बापरे यार, तू तो पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। अच्छा सही में पहले ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई? सही में। रहने दे, तू तो हो गई है। नहीं यार, मैं तो कितना ट्रेवल करके आ रही, थक गई। कोई नहीं यार, तू भी तो उतनी ब्यूटीफुल है। मैं मोटी हो गई हूँ, कहाँ ब्यूटीफुल हो गई यार, लग रही है। नहीं लग रही, मेरे को लगा गुड़िया को लेके आ रही होगी। उसको लेके आने वाली थी लेकिन वो बहुत परेशान करती है, और मैं मीटिंग में गई थी खंडवा। अच्छा, डायरेक्टर नहीं आई। बढ़िया, चल आजा। यहाँ पे तो कब से ही हो गए, जब तू वहाँ सीधा ही उधर ही हो गए थे। कितना टाइम हुआ? इधर बाय, ये आके जा भी रही है और मैंने इसके साथ में एक फोटो एक वीडियो कुछ भी नहीं ली। इतना टाइम बाद मिली हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसके साथ में एक दो फोटो खिंचा लूँ वीडियो बना लूँ। मना कर रही है कि नहीं मेरे साथ कुछ मत ले, बस मेरा मन है जाने का सच में। तो मैं बोलती हूँ मेरे पास दो एक दिन रुक जा, क्यों जा रही है? अगली बार आऊंगी, टाइम निकाल। और अब बाबू को लेके आना और फिर मेरे पास ही रुकना। और बोला नहीं कि वहाँ काम है और दोस्त के यहाँ रुक जाऊंगी। हाँ, नहीं इसके यहाँ मैं पहले से प्लान करके आऊंगी। तभी वैसे भी नया साल है, तो ये जा रही है। अब मेरे को छोड़ मेरा मन नहीं इसको भेजने का, कितने साल बाद मिली मेरे से, मेरे बिल्कुल मन नहीं है, कसम से बोलो तो। मैं यार सच में कभी कभी ऐसा लगता है ना, स्कूल ही रहती तो अच्छा रहता। स्कूल वाले दिन ज्यादा अच्छे थे ना। चल अब बाय। मैं वीडियोस में तो कुछ नहीं बोल रही हूँ यार, ऐसे तू मुझसे बहुत सारी बातें कर ले। मैं तेरे से बहुत सारी बातें करूंगी। ओके, सो बाय। 15 दिन बाद है ना? 15 दिन बाद सीधे घर आना बाबू को लेके। हाँ। और कहीं रुकना नहीं, ठीक है? ओके, छोड़ के। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं चाहती कि ये जाए, बट इसको जाना है। मन नहीं कर रहा ना इसको भेजने का, इसीलिए। थैंक यू, जाओ। थैंक यू फॉर शॉपिंग। तो जिससे अभी आप मिले हो वो मेरी फ्रेंड है स्कूल के टाइम की, साथ में हम लोगों ने बहुत मस्ती करी। वो आज मिली मुझसे इतने सालों बाद, तो मैंने वो पुराने पल जिए हैं कुछ लम्हा तक। मैं बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई, मैं कैप्चर करना ही नहीं चाहती थी। एक्चुअली करना चाहती थी बट वो मोबाइल पकड़ने वाला नहीं था। विकास जी और हम सब बातें कर रहे थे, वो पुरानी बातें याद कर रही थी स्कूल के टाइम की। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत अच्छा लगा मुझे उससे मिलके। वो इमरजेंसी में आई थी इसलिए मेरे पास अभी रुकी नहीं, बट जब भी नेक्स्ट टाइम आएगी तो मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी। बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे हमारी स्कूल के टाइम की। सो अभी मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मैंने वो चीज़ें कैप्चर नहीं की जो मुझे करनी चाहिए थी, जैसे हम लोगों की बातें, एक रोना, एक कशिश होती है ना जो हमारे, मतलब एक बेस्ट फ्रेंड जो इससे हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं। मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है, बस मैं उससे इतने सालों बाद मिली, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सो आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग अगर कोई अपना, भले वो बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, थोड़ी घबराहट तो होती है,
हम चाहे उससे कितने सालों बाद मिले हो, इतने साल हो गए हो और मैं उससे अब मिल रही हूँ, तो मुझे लिटरली बताओ तो मुझे सच में इतने सालों बाद, 13 साल बाद बहुत बड़ा समय होता है, बहुत बड़ी गैप होती है, चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी किसी के बीच में भी। मैं घबरा रही थी, कसम से मिलने से घबरा रही थी, बट जब मेरे सामने आई तो एक फील हुआ कि हाय ये वही मेरा पुराना वाला यार है जिसके साथ में मैंने स्कूल बंक किए थे, चाट खाने गई थी, ठंड में आइसक्रीम खाई, एक दूसरे के कपड़े चेंज करके पहने, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बातें पुरानी, बहुत कुछ लम्हे यार, बहुत मैंने 3-4 घंटे उसके साथ में बिताए, मुझे बहुत अच्छा लगा कसम से। सो ये ब्लॉग मैं अभी यहीं एंड कर रही हूँ। आप लोगों को ज़्यादा बड़ा ब्लॉग तो नहीं देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा जो भी है अच्छा है, मेरे लिए वो खुशी के पल बहुत है। सो बाय।